अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हम लोग बच्चों की पसंद की एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज हम होममेड चिकन नगेट्स बनाएंगे। ये बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं और कम बजट में अच्छे और बेहतरीन बना सकते हैं हम घर में, और इसको आप काफ़ी अरसे तक सेव करके भी रख सकते हैं, और रमज़ानों में भी आप लोगों के बहुत काम आएगी रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, हम सबसे पहले वो तमाम चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें इसको बनाने में आसानी हो सके। तो चलें हम अपने इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन करने की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये रेसिपी मैं 1 किलो चिकन की रेसिपी के साथ बनाने जा रही हूँ। उसमें जो है आपने दो तरह का मीट इसमें यूज़ होगा। एक जो हमारा टिक्का का जो पीस होता है उसको आपने डीबॉन करवा लेना है, वो हम लेंगे 250 ग्राम, और 750 ग्राम जो है वो हम सीने का पीस लेंगे, और इन दोनों की बहुत छोटी छोटी सी बोटियां क्यूब्स की शक्ल में बना लेंगे। और ये तमाम मसाले मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, और जब मैं शामिल करूंगी आप लोगों को उसकी क्वांटिटी, और साथ साथ आपको ये बताती भी जाऊंगी हम इसके अंदर बाकी क्या क्या चीजें शामिल करेंगे। अब हम लोग अपनी इस चिकन का कीमा बना लेते हैं चॉपर में डालकर। इसको आपने बारीक पीसना है बिल्कुल। मैं इसको पीस के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये देख सकते हैं चिकन का कीमा मैंने पीस लिया, और कितना बारीक पीसा है, बिल्कुल बारीक पीसना है। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। अदरक का पाउडर, शक्कर, वाइट पेपर, सफेद मिर्च का पाउडर, लहसुन का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक। नमक आप लोग अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। पेपरिका पाउडर, अच्छा, ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अब इसको आपने आटे की तरह गूंदना है बहुत अच्छी तरह से, ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं वो हमारे तमाम चिकन के कीमे में शामिल हो जाएं, एक जैसा फ्लेवर आए। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर कर फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फिर हम इसको चिकन की शक्ल में, चिकन नगेट्स की शक्ल में बनाएंगे। अच्छे देख सकते हैं, इसको मैंने बहुत ज़बरदस्त आटे की तरह गूंद गूंद के कम से कम 6 से 7 मिनट मैंने लगाए हैं, और इसको बहुत अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लिया है। तमाम चीज़ें मिक्स हो गई। अब हम इसकी कोटिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी उसको बना के एक साइड पर रख देंगे। पहले एक बाउल ले लेंगे। इसमें आपने 1 कप मैदा, 1 कप कॉर्नफ्लावर और 1 कप ही ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। तीनों चीज़ों जो है वो हम बराबर की क्वांटिटी में रखेंगे, और थोड़ी सी इसमें वाइट पेपर 1/2 टीस्पून के बराबर सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस मिक्सचर को, ताकि जो हमने वाइट पेपर और कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स ये सब एक साथ मिक्स हो जाए। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे। ठीक है, एक बॉल में मैंने 1 कप दूध लिया है, और उसके अंदर 2 अदद अंडे डालकर अच्छी तरह से फेंट लूंगी। इसको बहुत अच्छी तरह से बीट कर लें दूध के साथ अंडों को। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको भी अब हम एक साइड पर रख देंगे। अपने चिकन नगेट्स बनाने की तरफ चलते हैं अब हम। अच्छा, देख सकते हैं तमाम चीज़ें हमारी रेडी हैं। एक दफ़ा और दोबारा से अपने मिक्स करना है, और एक छोटी सी बॉल की शक्ल में आपने कीमा जो है वो ले लेना है, और इसकी छोटी सी बॉल बना के देख सकते हैं इस तरह से अब आपने इसको नगेट्स की शक्ल दे देनी है। इसके बनाने के मोल्ड्स वगैरह भी मिलते हैं, अगर आप लोग चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसके बाद आपने इसको पहले ड्राई जो हमने कोटिंग बनाई है उसमें मिक्स करना है। दोबारा से इसको शेप दे लें।
अगर इसका शेप खराब हो जाता है तो फिर इसको जो हमने अंडे और दूध का बैटर बनाया है उसमें डिप करके फिर इसको हमने ड्राई में कोट करना है अपने नेगेट्स को अच्छी तरह से, और इसका आप शेप जो है वो साथ साथ सेट करते रहेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो ये नेगेट्स है बन के तैयार हुआ है। तमाम मिक्सचर के मैं इसी तरह से नेगेट्स तैयार करके फिर आप लोगों को बताऊंगी हमें इसको किस टाइम पर फ्रीजर करना है, और इसको हम तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा ये देखें तमाम नेगेट्स हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ किस टाइम पे हमने इसको फ्रीज करना है। अच्छा नेगेट्स को फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल गर्म होने रख दिया है। आपका ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपने तमाम नेगेट्स शामिल करके 2 मिनट तक फ्राई करना है। 2 मिनट से ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसको आपने एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने देना है। जैसे ही आपके नेगेट्स ठंडे हो जाएंगे तो उस टाइम पर इसको आपने जिप लॉक बैग में रख के 1.5 से 2 महीने के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। इसको हम फ्रीज़र कर लेंगे। इसको हाफ डन करके फ्रीज करना है, इस तरह से फ्रीज नहीं करना। मैं इसको हाफ डन करके इसको फ्रीज कर रही हूँ और कुछ नेगेट्स अभी फ्राई कर रही हूँ आप लोगों के दिखाने के लिए। ये देख सकते हैं हमारे नेगेट्स जो हैं वो फ्राई हो गए हैं, आप लोगों के सामने हैं। इसकी शक्ल, इसका टेस्ट, हर चीज़ परफेक्ट है और बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।